महाराष्ट्र में ही गए हैं, सबसे बड़ा ब्रिज का उद्घाटन करके आए हैं, लेकिन बिहार में कितना देते हैं मोदी जी? बन रहा है तो क्या राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनता तो ज्यादा अच्छा है कि राम जी अयोध्या में थे? इतने साल से मंदिर नहीं बना, कोई बात नहीं है, आज बन रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? क्या आपत्ति? बन रहा है ठीक है, अच्छा इससे क्या लगता है कि आपको अयोध्या का विकास नहीं होगा? राम मंदिर से पर्यटक बढ़ेंगे, ये तो लोग बोल रहा है कि चुनावी मुद्दा है, राम मंदिर तैयार हुआ नहीं तब तक, चुनावी मुद्दा रहता तो इसको चुनावी मुद्दा रहता तो इसका मंदिर का शंकराचार्य बोले है कि जब तक मंदिर पूरा तैयारी नहीं होता है तब तक उसका उद्घाटन करना मतलब शुभ नहीं माना जाता। नहीं, हम आपके बात से देखिए वो तो बड़ा, देखिए वो बड़ा मुद्दा है, बड़ा लोग हैं, हम नहीं पता है क्या है नहीं है, लेकिन अंततः यही हम लोग को प्रमाण मिलता है कि 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन, अगर ये चुनावी मुद्दा होता तो ये चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भाई बनने दो, रोटी नहीं, इतना जल्दी क्या था, इतना जल्दी क्या था, क्या आपको क्या लग रहा है राम मंदिर बनने का ये बात ये 100 साल से चल रहा है या फिर 50 साल से चल रहा है? बहुत साल से चल रहा है भैया, चुनाव जीतने के बाद भी बन सकता है। नहीं नहीं, बाबरी मस्जिद नहीं, नहीं वो तो ठीक है, जब राम जी का जन्म हुआ, नहीं नहीं ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है कि नहीं है, देखिए ये चीज सही है, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर ये चुनाव जीतने से पहले ये लाए हैं तो एक तरह से वो भी अपना वो कर रहे हैं कि हाँ हमको ये वोट बैंक है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम उसी को ना साथ देंगे जो हमारे लिए काम आएगा, ठीक है चुनावी मुद्दा है, लेकिन हम मंदिर तो बन गया ना भाई, हमको क्या है, हमको रोड बनने से मतलब है, हमको विकास होने से है, विकास से मतलब है, हाँ मंदिर मस्जिद से क्या मतलब, देखिए हाँ ये टॉपिक ही नहीं है, देखिए हमको विकास से मतलब है, और विकास देखिए क्या क्या एक आध को केंद्र सरकार का बता दीजिए जो कितना कार्य उनका नहीं, देखिए देखिए कहने का मतलब है कि आप कभी भी कहीं भी जाएंगे दूसरे जगह, हम तो जैसे नेपाल में हम जाते हैं तो बिहार में भी, बिहार का क्या देश का बात कीजिए ना, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फायदा नहीं होता है, और जरूर फायदा होता है, स्टेट में कितना उनका शिलान्यास होता है या उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, अभी इस बात से बिहार के लिए कुछ नहीं किया जाता, केंद्र सरकार से बहुत कम न, आप 5 साल में देखिए ना कि मोदी जी कितना बार बिहार आए हैं, अदर स्टेट में कितना जा रहे हैं शिलान्यास करने उद्घाटन करने के लिए, बिहार बिहार के साथ तो गलत हो ही रहा है ना, सही है बिहार के लिए भी बहुत सारा वो वादा कर, देखिए मोतिहारी के हैं, मोतिहारी में भी आए थे तो मोदी जी सुनिए ना, हम बता रहे हैं मोदी जी आए थे मोतिहारी तो बोले थे चुनाव के समय आए थे, चुनाव के समय बोल के गए थे मोदी जी की मोतिहारी चीनी की कटोरी है, चीनी मिलता है मोतिहारी में जो बंद पड़ी हुई थी, तो वो बोले कि हम अगली बार आएंगे तो ये चीनी यहाँ के चीनी का चाय पी के जाएंगे, पर वो नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिलहाल इतना ही, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ।